आप सुन रहे हैं कुकू एफएम की महान पुरुषों की महान कहानियों की ये गाथा। और आज की कहानी लेकर आया हूं प्रभु श्री राम के बारे में। प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमें जीने का सही तरीका बताया। ये घटना उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे। बीच में एक समुद्र पड़ा और उस समुद्र को पार करने के लिए सभी बानरों ने पत्थरों पर श्री राम लिखकर समुद्र में फेंकना शुरू किया और वो पत्थर तैरने लगे। सभी बानर बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके समुद्र में फेंक रहे थे और वो पुल तैयार हो रहा था। लेकिन दूर पर एक वानर ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे से पत्थरों को उठा रही है, उस पर श्री राम लिख रही है और पानी में फेंक रही है। ये देखकर वानर उस गिलहरी पर मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि ए छोटी सी गिलहरी, तू इन छोटे छोटे पत्थरों को फेंक रही है पानी में, इससे क्या होगा? इन छोटे छोटे से पत्थरों को फेंकने से कुछ नहीं होगा और ऐसे तो पुल बनने में सालों लग जाएंगे और प्रभु श्री राम कभी भी लंका नहीं पहुंच पाएंगे। ये देखकर सभी वानर वहां पर इकट्ठा हो गए और उस गिलहरी पर हंसने लगे। इस पूरी घटना को श्री राम बहुत गौर से देख रहे थे। प्रभु श्री राम उन वानरों के पास आए, रुके और कहा कि जिस प्रकार आप सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, इस छोटी सी गिलहरी का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी का है। आप सभी जिन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक रहे हैं और पुल को बना रहे हैं, उन सभी बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम इस छोटी गिलहरी के द्वारा फेंके गए छोटे पत्थरों के द्वारा हो रहा है। यदि ये छोटी गिलहरी छोटे पत्थर ना फेंकती तो बड़े पत्थर आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाते। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर सभी बानरों को उस छोटी सी गिलहरी के सहयोग का एहसास हुआ और सभी ने उस छोटी सी गिलहरी को धन्यवाद दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं कि वही उंगलियों के निशान आज तक उन गिलहरियों के पीठ पर है। हम कई बार अपनी जिंदगी में ये सोचकर मदद नहीं करते हैं कि हमारी ये छोटी सी मदद उस इंसान को या उस व्यक्ति को क्या फर्क देगी, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी एक छोटी सी मदद किसी इंसान को किसी व्यक्ति को कितना बदल सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में अपनी ओर से जितना भी सहयोग किसी के लिए कर पाए वो सहयोग जरूर दें। ऐसे ही और महापुरुषों की महान कहानियां सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए कुकू एफएम पर। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम एमडी मोटिवेशन के साथ।